नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचारी चैट। पूर्वांचल की पूर्वी छोर पर बसा बलिया जनपद के बैरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत यूपी बिहार को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन सुरेमनपुर पर डीआरएमबी के पंजियार ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न जगहों पर मिली खामियों पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया। छपरा से वाराणसी वापसी के क्रम में अपने स्पेशल सैलून से उतरते ही रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। डीआरएम ने सबसे पहले महिला प्रतीक्षालय का निरीक्षण किया। वहां ट्रेन की प्रतीक्षा में बैठी महिला यात्रियों शालिनी मिश्रा ने डीआरएम से शिकायत की कि हुजूर, महिला प्रतीक्षालय में कहीं भी मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट नहीं है। डीआरएम ने महिला के शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने जनरेटर कक्ष के आसपास पसरी गंदगी व जर्ज सेट पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित कर्मचारी को जमकर फटकारते हुए साफ सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे डीआरएमबी के पंजियार ने समाचार A to Z संवाददाता पिंटू सिंह से दूरभाष पर बातचीत करते हुए बतलाया कि सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर यात्रियों के आए दिन चोटिल होने पर उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि महिलाओं बुजुर्गों को ट्रेन में चढ़ने उतरने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह कार्य दोहरीकरण के वजह से रुका हुआ है, जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समाचार चैट के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। हेलो हेलो, हाँ डीआरएम वाराणसी पंजीकरण से बात हो रही है? हाँ बोल रहे हैं। समाचार एडिटर से बलिया से पिंटू सिंह बोल रहे हैं सर। हाँ जी सर, कल शनिवार को छपरा से वाराणसी आते समय जो है आपने सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पे जो है निरीक्षण किया था, काफी खामियां मिली थी सर। तो सर बताना चाहूंगा कि ये चूंकि पूर्वांचल का पूर्वी छोर पे ये स्टेशन पड़ता है और दुआबा की काफी जनता जो है इस स्टेशन से यात्रा करती है, और चूंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी रहा है, तो ऐसे में सर जो काफी सुविधाएं जो इस स्टेशन पर नहीं मिला है और इस अपेक्षा रहा है यात्रियों का इस पे, तो सर आपने निरीक्षण में कुछ खामियां भी मिली, क्या कहना चाहेंगे सर इस पे आप? नहीं मतलब हमें तो जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसमें कहीं थोड़ी सफाई की, कुछ पेनियो टॉयलेट में कमियां थी, उसको सुधार करने का निर्देश दिया है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिली, तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी अपेक्षित सुविधाएं वहां है जो नहीं। सर ये चूंकि हमने आपसे जिक्र किया कि चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री का इलाका पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, वो इम्पोर्टेंट जगह है, उसमें कोई मैं भी नहीं उसमें ये कर रहा हूँ। जी जी, आप सिर्फ हमको ये बताइए अपेक्षित सुविधाएं वो कौन सी अपेक्षित सुविधाएं हैं जो वहाँ नहीं मिली। सर यात्रियों को जो है नीचे जो है काफी जो है असुविधा होता है चढ़ने में, यात्री जब भी ट्रेन आती है तो चूंकि दोनों तरफ जो है उच्चीकरण होने कारण से वो होता है, उसके बाद लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, काफी गंदगी रहता है वहाँ सर, पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। पेयजल की व्यवस्था तो थी वहाँ, पेयजल की व्यवस्था थी, लाइट का मैं देख रहा हूँ लाइट है लेकिन थोड़ा कम रहता है, रात में अंधेरा है, उसका हम व्यवस्था करेंगे। और चढ़ने में होम प्लेटफॉर्म तो हाई लेवल है, दूसरे साइड का प्लेटफॉर्म जो है वो लो लेवल है, वहाँ से भी असुविधा होगी। लेकिन उसमें अभी एक्चुअली हम जान बुझ के पैसा उसको नहीं खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ दोहरीकरण के सिलसिले में कंस्ट्रक्शन बना रहा है हाई लेवल प्लेटफॉर्म, तो फिर वो 2 साल में दोहरीकरण हो जाएगा, तो फिर हम जो बनाएंगे वो उतना पैसा वेस्ट हो जाएगा, उस पैसे को मतलब दूसरी जगह हम अन्य सुविधाओं को यूज कर सकते। चूंकि निरीक्षण के द्वारा सर जनता जानना चाहती थी और काफी ललायत भी है कि चूंकि आपके द्वारा ताबड़तोड़ इधर निरीक्षण किया जा रहा है सर, तो ऐसे में दुआबा के लिए वो लाइफ लाइन है सुरेमनपुर स्टेशन, वहां से जो है पूर्वांचल के जो है यूपी बिहार जो है बॉर्डर है जोड़ा जाता है, तो ऐसे में सर जो सुविधा अगर मिलती है तो भविष्य में जो है आगे ऐसा है। देखिए पिंटू जी, हम जब निरीक्षण किए थे जी सर, तो जो पहले तो सबसे पहला मेरा प्राथमिकता है कि जो स्टेशन में अभी जो सुविधाएं हैं जी सर, अभी जो सुविधाएं हैं जी जी, वो मतलब साफ सुथरी और सुचारू हो, जैसे पानी का अगर नल है तो उसमें पानी आए, पंखा है तो पंखा ठीक से चले, ये सब तो सबसे पहले बुनियादी चीजें जो है वो ठीक चले। और उसके अलावे कुछ नए काम भी हम कराएंगे, उसका हमने निरीक्षण करके
यहाँ पर उसका कुछ ब्लू प्रिंट हम लोग बनवा रहे हैं डिविजन ऑफिस में, क्या क्या और मतलब बेहतर किया जा सकता है उस स्टेशन का, वो प्लानिंग भी है, वो उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभी सबसे पहली मेरी प्राथमिकता जो निरीक्षण के दौरान थी कि हम जो सुविधाएं वहां दी गई है वो उसमें कहीं कहीं जो कमियां पाई गई उसको हम पहले सबसे पहले ठीक करें। सर एक चीज और ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, चूंकि सांसद जो है बीरेंद्र सिंह मस्त जो इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, द्वाबा क्षेत्र से, और चूंकि जो भी अधिकारी है वो जो भी विधायक है सांसद जो अपने क्षेत्र से, तो वहां की जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र में काफी से काफी विकास हो। लेकिन आपके द्वारा बुनियादी तौर पर आपने जो भी वहां देखा डांट फटकार लगाई, और यहां तक एक मोबाइल चार्जर पॉइंट की भी तत्काल आपने कहा वो मोबाइल पॉइंट भी लगे। मैंने हर वेटिंग रूम, हर वेटिंग हॉल और रिटायरिंग रूम सब जगह कमी पाया मैंने मोबाइल चार्जिंग का, और ये आज की जरूरत है, सबको जरूरत पड़ती है इसकी। एक्चुअली एक लेडी पैसेंजर ने बताया तब हम लोग ध्यान में आया जी, और ये बहुत अच्छा सुझाव था उनका, ये मतलब हम सब स्टेशन में कराएंगे जी। तो सर सांसद का क्षेत्र है तो इसमें और भी चूंकि भाजपा प्रचंड बहुमत से आई है, तो ऐसे में सर उनके क्षेत्र में भी और जो विस्तार से जो बुनियादी समस्याओं के अलावा भी कुछ सुविधा मिलेगी सर वहाँ पे? बिल्कुल इसका रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं जी, इसका रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं, और अपने उच्च अधिकारियों को चाहे तो उसकी जानकारी देंगे कि ये कौन काम चलाया जा सकता है जी, और उसकी स्वीकृति मिलने पर हम इन सब काम को आगे बढ़ाएंगे जी। चलिए सर बात करने के लिए समाचार रेडियो से बढ़िया से पिंटू सिंह रिपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर। We'll be right back.